इस क्लास में बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, जो क्या करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कहीं भी पहुंचने के लिए पहले कहाँ पहुंचना है उसके बारे में जानना जरूरी है। कहीं भी आपको टूर करना है, मान लेते हैं मनाली जाना है, तो मनाली के अंदर कहाँ जाना है पहले वहाँ का प्लान करना जरूरी है। ठीक है, तो पहले लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हम देख लेते हैं कि हमको पहुँचना कहाँ पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं जनरल सा रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके अंदर ए और बी क्या होते हैं, सी और डी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए रेट लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं फॉरवर्ड रेट लिखते हैं। फॉरवर्ड रेट करने का मतलब जिस रिएक्शन के अंदर ए और बी तुड़ के या ए और बी मिल के सी और डी के अंदर कन्वर्ट होते हैं उसके लिए रेट क्या लिखोगे आप, के सॉरी आर ई एफ सेट नोट करोगे। फॉरवर्ड रेट किसके बराबर होगा, के और क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। मान लेते हैं यहाँ पे भी ये वन है, यहाँ पे भी वन है। ठीक है, अगर कुछ होगा ए बी सी डी तो वो ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड रेट के लिए चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसको के ई एफ लिखेंगे। कहने का मतलब फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपको भी मालूम है किसी एक फिक्स्ड रिएक्शन के लिए, अगर इसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए बात करें तो उसके लिए रेट कॉन्स्टेंट फिक्स होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर ब्रेक कर दिया। बैकवर्ड रिएक्शन करने का मतलब जिसके अंदर सी और डी ए प्लस बी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर बी लिखेंगे किसके बराबर होगा, के बी कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो आपको भी मालूम है ये रिएक्शन चलेगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करो इक्वेट करो दोनों साइड, क्या मिलेगा आपको, के एफ इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉरी इंटू में है ना इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के बी, क्या मिलेगा आपको सी और क्या डी। तो अब क्या करो आप के एफ अपन के बी का वैल्यू निकालो। ठीक है, फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट अपन बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो हमने बी को इधर लाया तो क्या हो जाएगा, ये उधर राइट में जाएगा तो क्या नीचे जाएगा, तो क्या मिलेगा सी इंटू डी अपन ए इंटू बी का सभी कंसेंट्रेशन टर्म है ऐसे मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपका दो रेट कांस्टेंट का रेशियो है के एफ अपॉन के बी, इसी को हम क्या बोलते हैं ओवरऑल किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यार के एफ के बी क्या मिल जाए कुछ के सी बन सकता है अगर ये सभी क्या हो कंसंट्रेशन के अंदर हो। ठीक है, ये क्या बन सकता है के सी बन सकता है अगर सभी क्या कंसंट्रेशन के अंदर हो, और अगर क्या ए बी सी डी गैसेस के अंदर है तो ये क्या बन सकता है के पी बन सकता है। तो देखो यार इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कांस्टेंट एक, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट एक ही आ रहा है। अगर हम बात करेंगे ए बी सी डी अमाउंट के अंदर भी है कंसेंट्रेशन के अंदर भी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं के सी। अगर हम ए बी सी डी गैसेस के अंदर दिए हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं के पी। ठीक है, पी मतलब प्रेशर, मतलब क्या है गैसेस है तो प्रेशर के टर्म में बात चलेगी। ठीक है, कंसेंट्रेशन है तो कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन के टर्म में बात चलेगी। लेकिन हमने बात की अब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो उसके लिए रेट कॉन्स्टेंट अलग अलग थे, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जब हमने रेशियो लिया तो जो हमको एक कॉन्स्टेंट मिला उसको हम क्या बोलते हैं कि उस रिएक्शन का ओवरऑल कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब देखो हमको हमारा डेस्टिनेशन मिल गया कि हमको यहाँ तक जाना है। ये जो आप कहा कि ये अपन के बी बोल रहे हैं या जिसको आप के सी या के पी बोल रहे हैं उसको हमको इसके बराबर में लाना है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन पता चल गया, अब क्या करते हैं क्या बोलते हैं किससे जाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलना तो थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से है। ठीक है, तो क्या करते हैं एक इक्विलिब्रियम बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यार इक्विलिब्रियम बॉक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, जो हम मेथड यूज करने वाले हैं इसको प्रूफ करने के लिए बाय इक्विलिब्रियम बॉक्स। ठीक है, इस मेथड से हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम बॉक्स क्या होता है, पहले हम मान लेते हैं हमारे पास दो बड़े बड़े वेसल है, मान लेते हैं वेसल है चलो ऐसे मान लेते हैं क्यूब शेप का। ठीक है, क्यूब शेप के दो बड़े बड़े वेसल मान लेते हैं और इतने ये बड़े बड़े हैं कि इसके अंदर से कुछ भी निकाला जाए। कहने का मतलब मान लेते हैं हम इसके अंदर ए है बी है सी है डी सभी क्या है इक्विलिब्रियम पे है, और इसके अंदर भी क्या है ए है बी है सी है डी है सभी क्या है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, क्या है ए है बी है सी है डी है। ठीक है, अब ये भी बात मान लो कि ए बी सी डी क्या है गैसेस है। ठीक है, बाद में हम कंसंट्रेशन के टर्म में भी बात कर लेंगे। मान लो ए बी सी डी
आइडियल गैसेस है, ठीक है, आइडियल गैसेस है, और दोनों वो कंटेनर के अंदर क्या है, एबीसीडी इक्विलिब्रियम के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, दोनों कंटेनर के अंदर एबीसीडी आइडियल गैसेस इक्विलिब्रियम के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये जो कंटेनर है इनके अंदर जो ये अमाउंट भरे हुए हैं, एबीसीडी का जो अमाउंट भरा होगा वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में भरा होगा। कहने का मतलब ये जो मान लेते हैं इसको बॉक्स नंबर वन, इसको मान लेते हैं बॉक्स नंबर टू। अगर हम पहले बॉक्स के अंदर से ए का कुछ अमाउंट निकाल दें या ए इस पहले बॉक्स के अंदर ए के कुछ और अमाउंट डाल दें, तो इसके कंसंट्रेशन पे या इसकी वजह से इस बॉक्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर जनरेट हो रहा होगा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो ए का कंसंट्रेशन अगर हम क्या करें, इसके अंदर से थोड़ा एक अमाउंट निकालेंगे तो कम होना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा निकाल के इसमें डाल दें, तो इस वाले बॉक्स के अंदर ए का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। लेकिन इक्विलिब्रियम बॉक्स के अंदर ये इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, मान लेते हैं ये सभी क्या बहुत ही बड़े, मान लेते हैं करोड़ करोड़ लीटर भरे हुए हैं गैसेस, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, अगर हमारे पास 1 करोड़ लीटर गैस भरे हुए हैं और आप क्या कर रहे हो 1 मिलीलीटर यहाँ से निकाल के यहाँ डाल रहे हो या यहाँ से निकाल के यहाँ डाल रहे हो, तो उसके कंसंट्रेशन या प्रेशर पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में, तो हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म में कि अगर हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक सब्सटेंस का उतना भी अमाउंट यहाँ से यहाँ कर दें, करने का मतलब यहाँ पे कम कर दें यहाँ पे ज़्यादा कर दें, तो किसी में भी इसमें या इसमें किसी में भी किसी भी तरह का प्रेशर का फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो शुरुआत में था वो बाद में भी जाने वाला है, ठीक है। तो देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये बात आपको मालूम है ना, गैसेस क्या होते हैं, अगर एक कंटेनर के अंदर कई सारे गैसेस रखे हुए होते हैं तो जो सभी प्रेशर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। लेकिन इन चारों गैसेस मान लेते हैं ये ए बी सी डी है, तो इन चारों गैसेस में से कोई भी एक गैस के बारे में बात करते हैं, मान लेते हैं ए है, तो ए क्या कर रहा है इस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर लगा रहा है अकेले, उसको हम क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और एक किसकी वजह से हो रहा है, ए की वजह से, तो क्या लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखेंगे। ऐसे अगर हम बात करें बी के बारे में, तो बी अकेले कितना प्रेशर लगा रहा है इस ट्यूब के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर बात करें डी के बारे में, तो डी अकेले इस कंटेनर में कितना प्रेशर लगा रहा है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बोलेंगे, ठीक है। चलो ये बात भी क्लियर हो गया कि इस इक्विलिब्रियम बॉक्स के अंदर से कितना भी अमाउंट हम इधर उधर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। आइसोथर्मल करने का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस चलेगी, ठीक है। और क्योंकि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो रिवर्सिबल रिएक्शन लेना पड़ेगा, एंड रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यार ये जो आपके क्यूब है ना, उनके बारे में थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं देखो 2 ये फेस 2 ये 4 और ऊपर नीचे 6 हो गया, तो मान लेते हैं ऊपर नीचे वाले जो फेस है ना दोनों क्यूब के, वो क्या है एकदम क्लोज है, कहने का मतलब वो नॉन इंसुलेटेड है, कहने का मतलब उसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, कहने का मतलब वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। और ये जो आपके 4 फेसेस बच रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों फेसेस क्या अलग अलग टाइम पे एक एक पार्टिकल को अपने अंदर से पास कराने की टेंडेंसी रखते हैं, ऐसे समझो। ऐसे हम बात करें पहले बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो पहले बॉक्स के अंदर 4 फेस बच रहे हैं, क्योंकि 2 फेस को हमने कैसा बना दिया, नॉन कंडक्टिंग बना दिया, ठीक है। और क्योंकि इक्विलिब्रियम का बात चल रहा है तो कंटेनर आपका क्लोज है, लेकिन क्या साइड से हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको कॉन्टेक्ट में ला के इधर से उधर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करा सकते हैं। तो देखो यार अगर हम क्या करते हैं, इसको पहले वाले बॉक्स के इस फेस को दूसरे वाले बॉक्स के इस फेस से कांटेक्ट में लाते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे इधर से उधर होंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है कि इस वाले फेस के बारे में बात करें तो ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने का क्या बोलते हैं परमिशन देता है। अगर यहाँ पे ए बी सी डी है तो ये वाला फेस मान लेते हैं सिर्फ ए को ही अपने अंदर से पास करेगा। अगर बात करते हैं इसके अंदर भी ए बी सी डी है तो ये वाला जो फेस है हो सकता है वो ए को अपने अंदर से पास करे या सिर्फ बी को पास होने दे या सिर्फ सी को या सिर्फ डी करने का मतलब ये जो 4 फेस बच रहे हैं 4 फेस हैं तो वो 4 अलग अलग पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास होने देंगे एक टाइम सॉरी 4 अलग अलग फेस हैं तो हर फेस सिर्फ एक ही पार्टिकल को पास होने देगा। ये वाला फेस देखो हमारे पास 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 4 फेस है, तो ये वाला फेस अगर ए को पार्ट पास करने दे रहा है तो वो बी सी डी को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। ये वाला जो फेस है ये इधर का हो गया,
और ये जो इधर बेस है ये क्या, अगर अंदर से अपने अंदर से बी को पास होने दे रहा है तो वो ए सी डी को पास होने नहीं देगा। ये वाला जो फेस है ये अगर सी को पास होने दे रहा है तो ये ए बी डी को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। ये वाला फेस अगर डी को पास होने दे रहा है ये वाला, तो वो क्या करेगा, इसी को मान लो ए बी सी को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको मानना पड़ेगा कि जहाँ चारों फेसेस जो बच रहे हैं जो अपने अंदर से पार्टिकल को पास करा सकते हैं वो अपने अपने साइड से सिर्फ एक ही लोग को परमिशन देंगे, ठीक है। और सेम बात इसके लिए भी है, इसके भी ऊपर और नीचे वाले हमने क्या कर दिया, नॉन कंडक्टिंग, मतलब वो कुछ करेंगे भी नहीं अपने अंदर से पास, और जो चार बच रहे हैं वो एक टाइम पे एक ही को करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहले बॉक्स से, ठीक है, हम पहले बॉक्स से 1 मोल ए को उठाते हैं और दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो बात चल रही है गैसेस के बारे में, तो गैसेस की वजह से मान लेते हैं पहले बॉक्स के अंदर ये जो ए की वजह से जो पार्शियल प्रेशर आया उसको हम पी ए से डिनोट करते हैं, जो बी की वजह से पार्शियल प्रेशर आया उसको पी बी से डिनोट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी, और जो सी की वजह से आया उसके हम पी सी से डिनोट करते हैं, और जो डी की वजह से पार्शियल प्रेशर जनरेट हो रहा है इस कंटेनर के अंदर उसको पी डी से डिनोट करते हैं। और बात करते हैं दूसरे कंटेनर के अंदर, तो ये जो आपका ए की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम पी डैश ए, पार्शियल प्रेशर ही जनरेट हो रहा है उसको पी डैश ए से डिनोट करते हैं, और जो बी की वजह से हो रहा है उसको पी डैश बी, सी की वजह से जो पार्शियल प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको पी डैश सी, और डी की वजह से जो जनरेट हो रहा है उसको पी डैश डी से डिनोट करते हैं। ये डैश क्यों लगाया, क्योंकि दोनों बॉक्स अलग है, अगर हम क्या करेंगे डैश हटा देंगे तो दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तो उसका मतलब यार एक ही बॉक्स है, दो अलग अलग बॉक्स है ही नहीं, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 मोल ए का उठाया पहले बॉक्स से और बी के अंदर डाल दिया, दूसरे बॉक्स के अंदर डाल दिया। कैसे डाल दिया, हमने क्या कर दिया इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया, तो क्या हुआ ए का 1 मोल हमने क्या कर दिया दूसरे के अंदर पहुंचा दिया, कॉन्टेक्ट में लाया, और ए का वो वाला फेस कॉन्टेक्ट में लाया जो क्या कर सकता है अपने अंदर से ए पार्टिकल को पास करा सकता है, तो वो क्या करेगा यहाँ से यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने क्या कर दिया ये प्रोसेस कर दिया, इधर वाला अगर ये फेस है जो ए पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, और मान लेते हैं इधर वाला भी ये वाला फेस है जो कि अपने अंदर से ए को पास होने दे सकता है, तो इसने क्या कर दिया पहले बॉक्स ने अपने अंदर से ए को छोड़ा, तो दूसरे बॉक्स ने क्या कर दिया अपने अंदर एंटर करा लिया, ठीक है। तो देखो एक मोल हमने ए का पास करा दिया, तो देखो यहाँ पे ए का पार्शियल प्रेशर कितना था पी ए था, और यहाँ पे कितना है पी डैश ए, ए का पार्टिकल कहाँ से कहाँ पे आया यहाँ से यहाँ पे आया, तो उसका इनिशियल प्रेशर कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, ये पी ए क्या है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए है, और ये जो आपका पी डैश ए है ये क्या कहलाएगा फाइनल प्रेशर ऑफ ए। देखो यार आप कोई भी पार्टिकल इधर से उधर कर रहे हो क्योंकि गैसेस के बारे में बात चले तो उसके प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हमने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम बॉक्स है तो ओवरऑल तो वो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो इनिशियल में था वो फाइनल में रहने वाला है, लेकिन 1 मोल हमने ए यहाँ से यहाँ पे ला दिया तो ये जो एक मोल अमाउंट आया उसके ऊपर कितना प्रेशर की बात चल रही है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली वो कहाँ पे था यहाँ पे था, तो उस टाइम पे वो कितना प्रेशर में था वो पी ए के प्रेशर में था, जब वो क्या किया यहाँ पे पहुंच गया तो वो किस किस कॉन्टेक्ट में चला गया पी डैश ए, मतलब क्या जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ए की वजह से पी डैश ए है वो वहां पे चला गया, ठीक है। ये क्या है फाइनल प्रेशर ड्यू टू, ये जो एक मोल ए की बात चल रही है उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोसेस कैसे चल रहा है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, तो इस सिचुएशन में जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो क्या होता है पी वन पी टू वी डी पी के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या है वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या डी पी क्या मतलब क्या चेंज इन प्रेशर चल रहा है, ठीक है। तो देखो इनिशियल कहाँ है वो आपका पी ए, मतलब क्या यहाँ पे प्रेशर कितना है पी ए है वहाँ पे था, फाइनल कहाँ पहुँच गया जहाँ पे पी डैश ए प्रेशर है वहाँ पे, तो यहाँ पे पी वन की जगह क्या आ जाएगा पी इनिशियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी फाइनल, और देखो यहाँ पे क्या वी है वॉल्यूम है और यहाँ पे डी पी है, तो ये इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है पी वी स्क्वायर टू एन आर डी, क्योंकि एक मोल की बात चल रही है तो एन की जगह क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, तो वी की जगह क्या यूज कर सकते हो वी की जगह पे आप आर टी अपान पी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वी की जगह क्या यूज कर लेंगे हम आर टी अपान पी और यहाँ पे डी पी तो था ही, ठीक है। तो देखो यार बात चल रही है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही और आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो हम बात कर रहे हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ड्यू टू ए, यहाँ क्योंकि एक मोल ए का इधर से उधर हुआ तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है। एक की वजह से गिब्स फ्री एनर्जी है जिसको आप सिंपली फ्री एनर्जी बोलते हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको ये इंटीग्रेशन
यहाँ पे है पी ए, यहाँ पे है पी डैश ए, नीचे लिख रहा है हाँ, और यहाँ पे क्या मिलेगा, और कॉशन को बाहर कर लेते हैं ठीक है, क्या मिलेगा आर और टी बाहर कर लो, इंटीग्रेशन पी ए पी डैश ए, और क्या मिलेगा अंदर डी पी अपान पी मिलेगा ठीक, सॉरी हाँ सही है सही है, देखो डी पी अपान पी कितना मिल गया हमको, लॉग पी मिल गया ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको लॉग पी कर देते हैं ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब बस क्या करो यहाँ से नोट करते जाओ ठीक है, एक मोड़ यहाँ से वहाँ करेंगे तो उसके हीट फ्री एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ ये बात लिख लेना, और इनिशियल प्रेशर उसका इतना था, फाइनल जहाँ पे पहुँचा वहाँ पे प्रेशर इतना हो गया ठीक है, तो कितना मिलेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी, और क्या मिलेगा लॉग पी कहाँ से कहाँ तक, पी ए से पी डैश ए ठीक है, तो कितना मिल गया ये आर टी लॉग पी डैश ए, और क्या मिलेगा माइनस पी ए मिलेगा ठीक है, पी लॉग पी ए मिलेगा, तो ये क्या बन रहा है लॉग ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, लॉग ए माइनस बी किसके बराबर होता है लॉग ए बाई बी के बराबर होता है, इसको हम क्या लिखेंगे आर टी लॉग पी डैश ए अपान पी ए ठीक है, तो देखो जो आपका ए की वजह से गिब्स एनर्जी के अंदर चेंज आया वो इतने के बराबर है, क्या करो इसको नोट कर लो डेल्टा जी ए इज इक्वल टू आर टी लॉग पी डैश ए, और क्या अपान पी ए ठीक है, इतना हो गया, इसको नोट करो। अब बात करते हैं बी के बारे में, मान लेते हैं हमने पहले ही बॉक्स से एक मोल बी का उठाया, उसको यहाँ से यहाँ कर दिया ठीक है, जो वाला फेस मान लेते हैं ये जो ये वाला फेस है ये क्या कर रहा है बी को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, और मान लेते हैं इसका भी ये वाला फेस अपने अंदर से पास कर रहा है, तो बस क्या करो इसको पकड़ो और ऐसे चिपका दो, इन दोनों फेस को चिपका दो, क्या हुआ एक मोल यहाँ से बी का यहाँ पे चला जाएगा ठीक है, तो नोट कर लो। तो देखो एक मोल बी के बारे में बात चल रही है, हटा दे क्या सब, चलो हटा देते हैं फिर से लिखते हैं, एक मोल बी के बारे में बात चल रही है ठीक है, तो इनिशियली वो कहाँ पे है यहाँ पे, उसकी वजह से प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है पी बी, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी यहाँ पे था, यहाँ से वो कहाँ चला गया इस बॉक्स में आ गया, दूसरे बॉक्स में आ गया, ये पहला बॉक्स था, दूसरे बॉक्स के अंदर वो एक मोल पहुंचा, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर बी की वजह से कितना चल रहा है पी डैश बी चल रहा है ठीक है, तो ये क्या हो गया उसके लिए इनिशियल प्रेशर का काम करेगा, ये काम करेगा फाइनल प्रेशर का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं गिब्स एनर्जी का लिखते हो, क्या लिखेंगे हम डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन पी वन पी टू वी डी पी, तो वी की जगह क्या लिख सकते हैं वही जो हमने अभी लिखा था आर टी अपान पी ठीक है, तो आर टी को बाहर कर चलो अभी लिखते हैं आर टी अपान पी, और क्या था डी पी था ठीक है, तो डेल्टा जी का मतलब फ्री एनर्जी या गैस एनर्जी ड्यू टू बी कितना होगा आर टी इंटीग्रेशन पी बी पी डैश बी, और क्या मिलेगा डी पी अपान पी डी पी, चलो डेस्कटॉप पिक्सेल नहीं छोड़ो, डी पी मतलब प्रेशर की बात चल रही है, चेंज की बात चल रही है ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया ये सिंपली यहाँ पे लॉग पी बनने वाला है, तो क्या लिखोगे आप आर टी लॉग पी कहाँ से कहाँ तक पी डैश बी पी बी, वही करोगे यार लॉग पी की जगह रखोगे पी डैश बी रखोगे माइनस लॉग पी बी रखोगे तो क्या मिलेगा लॉग ए माइनस बी की तरह बन रहा है, तो उसको क्या लिखोगे यार लॉग ए बाई बी की तरह लिख लोगे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा जी बी कितना होगा हमारे पास आर टी लॉग पी डैश बी अपान पी बी के बराबर होगा, इतना बात क्लियर हो गया। अब ऐसे ही क्या करते हैं, तो एक मोल उठाते हैं सी का लेकिन इस बार उठाते हैं यहाँ से ठीक है, और एक मोल उठाते हैं डी का लेकिन उठाते हैं यहाँ से ठीक है, सेकेंड वाला नोट करो, चलो ठीक है, तो इस बार क्या करते हैं एक मोल सी का उठाते हैं लेकिन सेकेंड बॉक्स से उठाते हैं एक मोल सी और पहले बॉक्स के अंदर डालते हैं ठीक है, तो देखो यहाँ जब पार्टिकल सी की बात चल रही है वो भी सेकेंड बॉक्स के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे प्रेशर कितना है पी डैश सी है, और वो जा कहाँ रहा है पहले बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है पी सी की वजह से पी सी है, तो ये जो पी डैश सी है इस बार सी के लिए इनिशियल प्रेशर का काम करेगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा सी के लिए फाइनल प्रेशर का काम करेगा, ये बात क्लियर है, जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो यहाँ वाला प्रेशर इनिशियल यहाँ वाला प्रेशर फाइनल, क्योंकि गैसेस के क्रम में बात चल रही है, क्योंकि हमने रिएक्शन ही गैसेस के बारे में बात किया, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इनिशियल यहाँ पे जो है वो फाइनल प्रेशर, ये बात क्लियर है, तो अब क्या करते हैं इसके लिए सी की वजह से जो फ्री एनर्जी में चेंज आ रहा है वो लिखते हैं, तो कितना मिलेगा आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू पी वन पी टू, पी वन का मतलब इनिशियल पी टू का मतलब फाइनल ठीक है,
और क्या मिला, VDP, VDP, V की जगह क्या लिखेंगे हम, RT अपान P और क्या DP। तो क्या करोगे, RT को बाहर निकालोगे, डेल्टा जी ड्यू टू सी इज इक्वल टू यहाँ पे पी सेल क्या है, P-C या फाइनल हो गया PC, RT को बाहर कर लो, यहाँ पे क्या मिलेगा DP/P, तो कितना मिल गया DP/P मतलब log P मिल गया, ठीक है। तो क्या मिला हमको RT log P, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे है PC P-C, तो इस बार क्या मिलेगा आपको RT log PC माइनस log P-C मिलेगा। तो क्या मिला है log A-B मतलब log A/B हो गया, तो G∆G ड्यू टू सी लिखते हैं, ठीक है। G∆G ड्यू टू सी कितना हो गया, RT है और log इस बार क्या होगा, PC ऊपर जाएगा, PC/P-C नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, एक मोड़ डी का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे ट्रांसफर करेंगे, जो वाला भी फेस डी को अपने अंदर से पास होने दे रहा है और यहाँ वाला भी फेस जो वाला फेस अपने अंदर से डी को पास होने दे सकता है, उन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो एक मोड़ डी का यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्टली हम डेल्टा जी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसके लिए, डेल्टा जी कितना होगा, RT log PD/P-D, सही हो गया। इतना बात क्लियर करने, कहाँ से आया, एक मोड़ डी के बारे में बात करेंगे, चलो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। एक मोड़ डी के बारे में बात करेंगे, तो डी इनिशियली कहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ से हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे प्रेशर कितना है P-D के बराबर, कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे प्रेशर कितना है PD है, RT तो कॉन्स्टेंट है, DP/P तो आएगा ही, यहाँ पे log P आने वाला है, यहाँ पे बस क्या होगा P-D, यहाँ पे PD होने वाला है, तो क्या होने वाला है, सिंपली PD बनेगा और P-D बनेगा, तो क्या मिला log A-B की तरह दिख रहा है, तो क्या करोगे RT log A/P, तो PD/P-D इतना हो गया। तो देखो बात चल रही है क्योंकि रिवर्सिबल और आइजोथर्मल प्रोसेस के बारे में, तो देखो किसी भी आइजोथर्मल प्रोसेस के लिए जो टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी होता है, टोटल चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी बोल लो, उसका सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, तो लिख लेना फॉर आइजोथर्मल प्रोसेस द टोटल फ्री एनर्जी एनर्जी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी जी को ऐड करेंगे और बराबर टू 0 लिखेंगे, ठीक है, डी। तो क्या मिलेगा, ΔZA+ΔZB+ΔGC+ΔGD कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर बनाते हैं, ठीक है। ये है चाय पीने का क्या बोलते हैं यार, पुरवा, जिसको आप पुरवा बोलते हो, ठीक है। इसमें भर दिया चाय, चाय गर्म है और ये पुरवा कितना किसका है, मिट्टी का है, ठीक है, किसका है, मिट्टी का है मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो चाय पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा और पीना पड़ेगा, और जैसे ही चाय खत्म हो गया, चाय खत्म हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो चाय पीने के लिए जरूरी क्या था, ये घड़ा है, जिसको आप चाय का पीने का पात्र जो भी बोलते हो, कप बोलते हो, जो भी बोलते हो, क्योंकि ये मिट्टी का है तो पुरवा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको चाय को पीने के लिए इस पुरवा की जरूरत है, लेकिन चाय को खत्म होने के बाद इसको फेंक भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। रुको, चलो ठीक है, आप समझ में आया, ये क्या है, मिट्टी का पात्र है, ये क्या है, मिट्टी का एक घड़ा है, ठीक है। जब तक उसके अंदर कुछ भरा रहेगा, जब तक इसके अंदर कुछ भरा रहेगा, कुछ भी हो, नॉलेज हो, कोई स्किल हो, फेस कट हो, कुछ भी हो, नॉलेज स्पोर्ट स्किल हो, स्पोर्ट में हो, किसी फील्ड में, जिस फील्ड में भी हो, अगर आपके पास कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ भरा हुआ है, तब तक आपका दूसरों के, नहीं, तब तक आपके प्रति दूसरों का क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोल दो या वैल्यू बोल दो, आपका बना रहेगा। जैसे ही ये खत्म हुआ,
जैसे ही ये खत्म हो गया, खाली हो गया, उसके बाद आप क्या हो जाओगे, फेंक दिए जाओगे। ठीक है, तो लाइफ में कुछ भी करो, अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर रखो जिससे ये जो खाली हो गया, इसको फेंकना पड़ गया, ऐसा सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है, कुछ भी रहे यार, नॉलेज हो गया, स्पोर्ट्स में आप कोई हो, कोई क्रिकेट प्लेयर हो, कोई एक्टर हो, किसी फील्ड में कुछ भी करते रहो, कुछ अपने पास कुछ तो रखे रहो। ठीक है, चलो उसको हटाओ, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आर टी लॉग पी डैश ए, और क्या अपान में पी ए प्लस आर टी लॉग पी डैश बी अपान पी बी प्लस लॉग, यहाँ पे भी था ना, लिखा तो है यार, आर टी तो आगे लिखना था ना। ठीक है, आर टी लॉग, और क्या इस बार मिलेगा, पी सी अपान पी डी सी प्लस आर टी लॉग पी डी अपान पी डैश डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो आर टी अगर कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, आर टी को बाहर निकालो और राइट में भेज दो, ठीक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर टी को बाहर निकाल दिया क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो राइट में भेजोगे तो क्या मिलेगा, राइट में मिलेगा 0/RT। 0/RT का मतलब क्या, 0 ही मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमको सिंपली इतना मिला है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को इधर रखते हैं, इन दोनों को राइट में भेजते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो ऊपर का। चलो ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमको, चलो लॉग भी रख रहा हो, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, पी डॉस ए अपान पी ए प्लस लॉग पी डैश बी अपान पी बी इज इक्वल टू माइनस लॉग पी सी अपान पी डैश सी और माइनस लॉग पी टी अपान पी डैश डी। ठीक है, तो क्या करो, इसको एक बार ओपन करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा, लॉग पी सी माइनस लॉग, सॉरी लॉग ए बाई बी है ना, इसको लॉग ए माइनस बी की तरह लिखो। ठीक है, ओपन करने का मतलब लॉग ए माइनस बी की तरह लिखो, माइनस लॉग पी डैश सी। ठीक है, इतना हो गया, अब इसको भी ओपन करते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो, लॉग पी डी माइनस लॉग पी डैश डी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन में से माइनस को बाहर निकालते हैं। माइनस को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे एक माइनस पहले से ही है, एक और माइनस हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक माइनस बचेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लो, क्या मिलेगा, लॉग पी डैश सी माइनस लॉग पी सी हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करो, एक माइनस को बाहर निकाल, तो माइनस यहाँ पे है, एक माइनस हमने और बाहर निकाल लिया, तो क्या बन गया, ये प्लस बन गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा, इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग पी डैश डी माइनस लॉग पी डी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, कुछ ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, तो लॉग ए माइनस बी मतलब लॉग ए बाई बी लिखेंगे। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, लॉग पी डैश सी, लेकिन प्लस के साइन के साथ, पी डैश सी अपान पी सी, इसको क्या लिखेंगे, प्लस साइन के साथ, लॉग पी डैश डी अपान पी डी। ये बात क्लियर हो गया। चल अब क्या करते हैं, लॉग को हटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, लॉग ए प्लस, सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो क्या लिखोगे, लॉग ए प्लस बी सी है, तो क्या मिलेगा, सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो क्या लिखते हैं यार, लॉग ए इंटू बी लिखते हैं। ठीक है, चल हो जाता है, तो क्या मिलेगा, लॉग यहाँ पे पी डैश ए अपान पी ए इंटू में क्या मिल जाएगा, पी डैश बी पी बी, यहाँ मिलेगा लॉग पी डैश सी अपान पी सी, और क्या मिलेगा, पी डी अपान, ऊपर डैश है ना, पी डैश डी अपान पी डी। अब क्या करोगे, दोनों साइड से लॉग है, एंटी लॉग ले लो, लॉग हट जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग ले लो, ऐसे ही लॉग को हटा दो काट के। ठीक है, लॉग हट गया, सिंपली हमको इतना बचा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सी सी को रीअरेंज करते हैं, तो क्या मिला हमको, पी सी इंटू पी डी, इसको उधर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, गोबर पी सी इंटू पी डी, अब बढ़िया है कुछ हद तक, पी सी इंटू पी डी।
है ठीक है, इंटू पी ए इंटू पी बी राइट में दे दो, राइट में कितना है पी डैश सी इंटू पी डैश डी अपान इसको इधर लाओ पी डैश ए इंटू पी डैश बी। ये बात चल रही है किसके बारे में, गैसेस के टर्म में बात चल रही है, तो सभी पी का डिनोट कर रहे हैं, सभी पार्शियल प्रेशर डिनोट कर रहे हैं ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है ठीक है, कांस्टेंट के बराबर होता है। ये बात चल रही है तब जब गैसेस के बारे में हमने बात किया, ए बी सी डी को गैसेस के टर्म में बात किया। आपको एक बात और मालूम है, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मोलर कंसेंट्रेशन पे। पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मोलर कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोलर कंसेंट्रेशन मतलब अगर उस अमाउंट को, उस सब्सटेंस का अमाउंट को हम मोल मिले, कंसेंट्रेशन मिले, तो वो भी टर्म ऐसे लिखा जाएगा ठीक है। तो अगर हम क्या करें इनको कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखे, तो क्या लिखेंगे हम सिंपली, कंसेंट्रेशन ऑफ सी को कैसे डिनोट करें आप जब लिखते हैं ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट की। क्योंकि देखो यहाँ पे बात चल रही थी गैसेस के बारे में, तो ये कांस्टेंट क्या बनेगा, के पी बनेगा। अब यहाँ पे हमने बात कर लिया कंसेंट्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या बनेगा, के सी बनेगा ठीक है। इसको छोड़ दो कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हमने इसी को लेके आगे बढ़ लिया ठीक है। तो देखो कंसेंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, सिंपली ऐसे ब्रैकेट बना के लिखते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन को ऐसे ब्रैकेट बना के लिखते हैं ठीक है। तो यहाँ पे सी की बात चले तो क्या देखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपान कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ये बात हमको प्रूव करनी थी, चलो पहुंच गए। कहाँ पहुंचे, शिमला पहुंचे, शिमला ही जाना था, शिमला तो पहुंच गए। यही हो गया यार थर्मोडायनेमिकली प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, कुछ बड़ी बात नहीं है ठीक है। बस क्या करो, बस दो तीन बार याद रखे रहो, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा ठीक है। चलो नोट कर लो।